हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़िंदगी जीने का एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ज़िंदगी में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं, कभी भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों, यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा वीडियो दिया गया है जिसके अंदर आपको सक्सेस होने का फॉर्मूला बताया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर क्वालिटी होने के बाद भी आप सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर तीन ऐसा चीज है जो आपको कभी भी उन्नति करने नहीं देता है। सबसे पहला चीज है डर। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले अगर आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे या आपके मन में कोई भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर होता है तो उसके कारण आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग नोटिस करेंगे, आमतौर पर सारा दुनिया क्या करता है, अपने पापा का बिजनेस में बैठता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इसके अंदर रिस्क कम रहता है, ये थोड़ा सा सेफ साइड होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, आप जितना भी बड़ा बृहस्पति को जानते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा कमाया है कि उसका आने वाला 10 पुश्त तो बैठ के खा सकता है, कभी भी खर्चा नहीं होगा, ऐसे सभी लोगों के पापा का काम कुछ और था, इसका बेटा काम करना कुछ और शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन आज के डेट में कामयाब है। दोस्तों, डर को कभी भी अपने दिमाग पे हावी होने मत दीजिए किसी भी कंडीशन में, चाहे प्यार का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला क्यों ना हो। ये डर एक ऐसा चीज है जो आपको जीते जी मार देता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम का नाम है ईगो। आप अपने घर से बाहर निकल के देखिए, आज के डेट में आपको काफ़ी सारी लड़कियां मिलेंगी जिसको इंग्लिश बोलना आता है, जिसका लुक भी अच्छा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाई होती है, जिसके पास बहुत सारा सर्टिफिकेट होता है। लेकिन आप नोटिस करेंगे, ऐसा लड़का ऐसा लड़की अपने ज़िंदगी में कोई खास काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ईगो होता है, हम ये ऑफिस में क्यों काम करेंगे, इतना सैलरी में हम काम नहीं करेंगे, नहीं, हम इतना बजे जाएंगे, इतना बजे का नौकरी हमको नहीं चाहिए। ये लोगों का जो छोटा छोटा ईगो होता है, अच्छा तुम उनको मोटी बोला क्यों बोला, तुम मेरे को काला क्यों बोला, तुम मेरे को गोरा क्यों बोला। दोस्तों, हर छोटा छोटा बात जो इंसान अपने दिल पे ले लेता है, जो अपने नज़र में खुद को हीरो हीरोइन समझ के बैठा रहता है, ऐसा लड़का लड़की अपने पूरे ज़िंदगी में कभी भी उन्नति नहीं करता है। दोस्तों, आप लोग किसी भी इंसान के बारे में जाके पता लगा लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा हीरोइन को कभी ना कभी गाली दे के भगाया गया था, बहुत बड़ा बड़ा हीरो को कभी बोला गया था कि अपना शकल देखा है बेटे को कौन हीरो बनाएगा, ऐसा करके बोला गया था। आप लोग जाके यूट्यूब पर इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी उसका बेइज्जती ज़रूर होता है, कभी ना कभी उसका टाइम ख़राब ज़रूर होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका पूरा जिंदगी खराब होता है। दोस्तों, अगर आपको अपना जिंदगी को बदलना है तो आप ये दो चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि ये दो चीज आपके दिमाग में ना आए। दोस्तों, तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसके कारण आप लोगों के अंदर क्वालिटी होते हुए भी आप लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, दोस्तों, इंसल्ट। बहुत सारे लोग इंसल्ट होने से डरते हैं। आप लोग नोटिस कीजिएगा, कितना बार आपके अंदर से, मतलब आपके अंदर से ऐसा आवाज आता है कि ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि ये चीज आप बहुत अच्छा से नहीं कर सकते, मतलब जो परफेक्ट बोला जाता है वो चीज आप नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, आपको अपने पूरे जिंदगी में कभी सक्सेस मिलता ही नहीं है। आज के डेट में जो इंसान जहां पे सक्सेसफुल है उसके बारे में आप पता लगाइए, क्या वो पहला दिन से ही सक्सेसफुल था? मैं ये बात मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार का कोई ऐसा लड़का नहीं है या कोई भी ऐसा लड़की नहीं है जो अपने माँ बाप के पेट से बिल्कुल परफेक्ट पैदा होता है। हर एक इंसान अपने अपने फील्ड में जाता है, स्टार्टिंग के दिनों में उसको बहुत सारा बुराई का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा गाली सुनना पड़ता है, कभी कभी उसको दो दो तीन तीन साल तक खाली पेट रहना पड़ता है, तब जाके कामयाबी हासिल होता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक ही फॉर्मूला देना चाहता हूँ, अगर आपको अपने जिंदगी में उन्नति करना है तो ये बात को आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, मतलब आप कोई भी काम करने जाते हैं, आप अपने मन में पहले ही सोच लीजिए ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, ये चीज पहले आप सोच लीजिए। दूसरा चीज आप ये सोच लीजिए कि जो भी होगा हम देख लेंगे। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कोई भी चीज करने से पहले कि अगर आज हम इंटरव्यू में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, सिलेक्ट नहीं होंगे, मैं 3 घंटा टाइम वेस्ट होगा, बस का भाड़ा बेकार जाएगा और थोड़ा सा इंसल्ट होगा, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि मेरा इंसल्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट भी ना हो, मेरा ईगो भी खराब ना हो, ये सोच के आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ही नहीं तो आपको जीवन में कभी नौकरी मिलेगा भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।